अब वक्त है आज के खास विषय पर चर्चा करने का। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लगातार आपको बता रहे हैं राहु का कॉम्बिनेशन किस ग्रह के साथ आपको क्या प्रभाव दे सकता है, और आज हम जानेंगे शशि जी से कि राहु की चंद्रमा के साथ युति क्या प्रभाव दे सकती है। दर्शकों, हम लोगों ने कल बात की थी कि राहु के साथ कौन कौन से प्लैनेट होंगे तो क्या असर होगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर कुंडली में राहु के साथ अगर चंद्रमा भी है, यह आसानी से आप लोग देख सकते हैं आपका जो बर्थ चार्ट है, मेन बर्थ चार्ट, उसमें अगर राहु के साथ चंद्रमा भी है तो उसका क्या फल होगा, किस तरीके का प्रभाव आपको मिलेगा। राहु के लिए लगातार आप समझते रहिए उसके नेचर को, क्योंकि राहु का नेचर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु का एक फिक्स नेचर नहीं है। राहु जिसके साथ होंगे, किसी प्लैनेट के साथ है तो कुछ नेचर उसका उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग बदल जाता है, और चंद्रमा के साथ जब राहु होगा तो वो थोड़ा सा प्रोवोक करेंगे, यानी वो भड़काने वाले होंगे, क्योंकि मन है, मन को कैसे भटकाया जाए, कैसे भड़काया जाए, इस ओर राहु का फोकस ज़्यादा रहता है। साधारण भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि राहु थोड़ा सा झूठ बोलता है, राहु थोड़ा सा पॉलिटिक्स करने में माहिर होता है। तो मन जो है, अगर आपका पॉलिटिक्स में लगता है, मन अगर झूठ बोलने में लग रहा है, तो राहु इस चीज़ को वो प्रमोट कर देगा। ये चंद्रमा की स्थिति भी डिपेंड करती है, लेकिन जनरलाइज तरीके से हम लोग राहु और चंद्रमा के जो किसी भी घर में हो उसके विषय में हम लोग समझते हैं। चंद्रमा जो है वो प्रमोशन का कारक भी है, यानी अगर आप कहीं जॉब करते हैं और जॉब में आप बहुत से विभाग हैं, अगर कोई पुलिस में कमिश्नर भी है और पुलिस में सिपाही भी है, तो जॉब देने वाला प्लैनेट तो अलग है, लेकिन प्रमोशन करने वाला चंद्रमा है। चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छा है तो वो प्रमोट करता है, लेकिन अगर राहु के साथ चंद्रमा आ जाएगा तो व्यक्ति के अंदर प्रमोशन करने के लिए कुछ जोड़ तोड़ करने का या जुगाड़ करने की प्रवृत्ति आ जाएगी, यानी वो टेक्निक, ये राहु अपनी मार्केटिंग करना, बॉस को कैसे खुश करना है, इसमें वो बहुत माहिर हो जाता है। मन जो है वो इन सब चीज़ों में बहुत रमने लगता है। कई बार लोग ऑफिशियल पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं या पॉलिटिक्स करने लगते हैं या पॉलिटिक्स उनके ऊपर हावी हो जाती है। ये सब चीज़ें चंद्रमा और राहु की सिचुएशन में देखने को मिलती है। हर चीज़ का एक सकारात्मक पहलू है और एक नकारात्मक पहलू। कोई भी प्लैनेट 100% पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता और कोई भी प्लैनेट 100% निगेटिव नहीं देता। इसको अपने अनुसार कहाँ देश काल परिस्थिति में ये चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे जो बच्चों को, बच्चों में अगर ये है, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो इसमें अगर बच्चे से कोई दूध पीने से भी इन्फेक्शन हो जाता है, कई छोटे बच्चे होते हैं जिनको डॉक्टर दूध मना कर देते हैं कि दूध सूट नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो पाउडर का दूध पीने लगते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये चंद्रमा और राहु की इक्वेशन अगर जिन लोगों के है उनमें ज़्यादा दिखाई पड़ती है। मूड स्विंग की भी समस्या एक हो जाती है कि अचानक बहुत प्रसन्न हो जाना और अचानक मूड ऑफ हो जाना। राहु का केवल इतना काम है कि मन में जो विचार आया उसको वो प्रमोट कर देगा, वो बढ़ा देंगे। कई बार ऐसा होता है कि भौतिकता वाले जितने विचार आते हैं वो चूंकि राहु की फ्रीक्वेंसी से वो मैच करते हैं। अगर आपने कहा कि मुझको एक पाश्चात्य संस्कृति या विदेश जाना है तो वो प्रमोट कर देंगे कि हाँ विदेश मुझे जाना है, अब इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो राहु इथिक्स को तोड़ने वाला होता है, इथिक्स को न मानने वाला होता है, और अपने हिसाब से देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपने इथिक्स बना भी लेते हैं। तो इसलिए अति उत्साहित नहीं होना है। जिन लोगों की भी कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ है तो वो नोट कर लें कि कोई भी समस्या आएगी, खुशी हो या दुख हो, बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देना, बहुत शांत भाव से बैठकर चीज़ों को कूल तरीके से लेके ठंडा करके तब कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक बात और नोट कर लीजिए कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं, समाज में भी हो सकता है कि किसी ने कुछ निगेटिव किया, कोई निगेटिव रिजल्ट आया और किसी ने आके किसी अमुक के लिए कहा कि भाई फलाने आदमी ने ऐसा किया है, इस वजह से हो गया, तो
तो आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा नहीं करिए या आप तुरंत आग बबूला मत हो जाइए। तो राहु में बहुत कूल रहते हुए करना होता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अपने ननिहाल पक्ष में संबंध मधुर बना के रखने चाहिए। मामा से, नाना से, माँ से, ये सब संबंध अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि ये जो राहु है ये अपना मैलिफिक असर, जो अपने विषाक्तता है, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करने वाली जितने डायमेंशन हैं, वो चाहे माँ की ओर जा रहा हो, चाहे मामा की ओर जा रहा हो, उसमें दिक्कत देते हैं। एक बात और नोट कर लीजिए कि चंद्रमा जल का कारक है, हमारे शरीर में जल तत्व हैं ज़्यादा हैं, तो और राहु इन्फेक्शन है, तो कभी भी जल के द्वारा इन्फेक्शन होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए जब भी पीने वाला पानी हो, शुद्ध जल ही पीजिए। स्विमिंग जो लोग करते हैं वो ध्यान रखें, अगर चंद्रमा और राहु अगर साथ है तो कोशिश करें, अवॉइड करें, और अगर करने का शौक़ है तो कोशिश करिएगा कि बहुत ध्यान से साफ़ स्विमिंग पूल हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, वरना थ्रोट इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन जैसी समस्या मैंने देखी है। इसके अलावा जिन लोगों को रक्तचाप है और कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ है, तो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी उनका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, क्योंकि राहु ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, कम नहीं करता, वो अचानक बढ़ा देता है। उपाय, आज इस सिचुएशन को ठीक रखने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो है शिव उपासना। दर्शकों, शिव जी के शीश पर चंद्रमा है और गले में भुजंग है, सर्प है, और सर्प ही राहु है, तो इसलिए केवल शिव तत्व ही ऐसा है जो चंद्रमा और राहु को बैलेंस करके रखते हैं। तो इसलिए शिव आराधना करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। इसको ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा।